हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ना तो लिखना जानते हैं ना तो पढ़ना जानते हैं। बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम इंग्लिश ना तो लिख सकते हैं ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं लेसन वन से, यानी एकदम स्टेज वन से हम शुरू किए हैं करेंगे और पूरा इंग्लिश ग्रामर को एकदम सरल भाषा में इसको हम पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। तो आज का जो विषय है वो है कि अंग्रेजी हम कैसे सीखें, कैसे लिखना सीखें और कैसे पढ़ना सीखें। जो हिंदी है, हिंदी में जिस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से पढ़ा जाता है, इंग्लिश में वैसा नहीं होता है। इंग्लिश में लिखा जाता है दूसरे तरह से, पढ़ा जाता है दूसरे तरह से। बहुत सारे ऐसे मेरे भाइयों भाई लोग हैं जो कि किसी भी कारण से स्कूल में पढ़ाई पूरा नहीं हो पाया, अथवा इंग्लिश में बहुत वीक हैं, अथवा इंग्लिश लिखना ही एकदम नहीं जाते हैं, सिग्नेचर करना भी नहीं जानते हैं, अपना नाम तक लिखना नहीं जानते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना दोनों सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं लेसन वन में अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखें। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है, मैंने पहला कि आपको ABCD सीखना होगा। इंग्लिश का जो ABCD होता है उनकी संख्या 26 होती है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अगर कोई इंग्लिश कभी नहीं देखा हो, कभी सुना ना हो, एकदम उसका मन में इच्छा है कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे और हिंदी थोड़ा बहुत अगर वो जानता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो का पहला लेसन है। तो देखिए, ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। बच्चों, इसको हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं और ABCD को इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों, ये कैपिटल लेटर यानी पढ़ने के अक्षर होता है, इसको बड़ा अक्षर कहते हैं, बड़े अक्षर। जब हम लोग लिखते हैं कॉपी में, जब हम लोग लिखते हैं तो वहां पे ये ABCD का प्रयोग नहीं होता है, छोटा लेटर का प्रयोग होता है, यानी स्मॉल लेटर का प्रयोग होता है, मतलब छोटे लेटर। इसमें जब हम लोग लिखते हैं कॉपी में तो ये वाला ए लिखते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। बच्चों, आर दो तरह से लिखा जाता है, कुछ लोग आर इस तरह से लिखते हैं, कुछ लोग आर इस तरह से लिखते हैं। तो आपको ये दोनों आर सीख लेना चाहिए। इसके बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड।
आपको पढ़ने में आसानी हो इसके लिए हमने अंग्रेजी अक्षरों के नीचे हिंदी भी लिखी है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं और इसको अपने कॉपी नोटबुक में लिख लीजिए। थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ कीजिए, इसको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए। लेसन टू लेसन थ्री में जब हम जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर स्पोकन इंग्लिश सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन पहला लेसन में शुरुआत हम कर रहे हैं अंग्रेजी पढ़ाने की, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ABCD है कुल कितने अक्षर हुए, आइए हम गिनती करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हमने गिन के देखा कि ABCD कुल मिलके 26 होते हैं, पूरा ABCD की संख्या 26 होती है। तो इन 26 अक्षरों में दो चीज होता है, इसमें से दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसमें से पांच होता है वावेल्स, जिसको स्वर कहते हैं, और उन पांचों को छोड़ देंगे, बाकी जितने बचते हैं उसको हम लोग कंसोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये कंसोनेंट और वावेल्स होता क्या है, देखिए वावेल्स का हिंदी स्वर होता है, देखिए वावेल्स का हिंदी स्वर होता है, और कंसोनेंट, पढ़िए मेरे साथ, यहां लिखा है कंसोनेंट, कंसोनेंट इसका हिंदी होता है व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं? दोस्तों जब किसी व्यंजन में स्वर जोड़ देंगे तो उसका रूप बदल जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्वर में मैं व्यंजन जोड़ूंगा और उसका रूप बदल करके आपको दिखाऊंगा। तो आज आप बस इतना याद रखिए कि जो वावेल्स होते हैं वो पांच होते हैं, और वावेल्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने पांच उंगली को आप बाहर निकाल लीजिए। अब इसको देखिए, ये है ए ई आई ओ और यू। फिर से एक बार देखते हैं, ए ई आई ओ और यू। आइए यहां पे देखते हैं, जो वावेल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू, कहने का मतलब यह है ये जो ABCD यहां पे जो लिखा गया है इसको अल्फाबेट कहा जाता है। इसमें से पांच गो छांट करके बाहर निकाल लीजिए, क्या क्या निकालेंगे, ए ई आई ओ और यू, याद करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों ये पांच जो वावेल्स होते हैं जब कंसोनेंट में इसको लगाते हैं तो इसका उच्चारण यानी पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है और इसके अर्थ भी बदल जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं स्वर और व्यंजन मिला करके, लेकिन क ख ग घ लिख करके उसको गिनती करने पे 36 अक्षर आते हैं, और जो स्वर होते हैं अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अं और आ, इसको गिनती करेंगे तो 12-13 स्वर आएगा। तो इसमें
होता यह है कि ए ई आई ओ और यू को वॉवेल्स कहा जाता है और ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी जो बचता है वे सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो आप क्लियर हो जाइए बच्चों, आप समझ जाइए कि अल्फाबेट में दो चीज होते हैं, स्वर दूसरा व्यंजन, दोनों को हमने अलग अलग किया है। आप यहां देख सकते हैं वावेल्स अलग किए हैं, कंसोनेंट अलग किए हैं। पांच वावेल्स निकालने के बाद जो बचेगा वो आपका कंसोनेंट कहलाता है। दोस्तों इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इन चीजों को तैयारी करने में एक से दो दिन आपको लगेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में तो सभी लोग अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ और अं अ पढ़ चुके हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कैसे होता है अ आ ई ई, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ए हम लिखेंगे तो उसका मतलब होगा अ, अगर हमने दो ए लिख दिया डबल ए तो उसका मतलब होता है आ, अगर हमने आई लिखा तो उसका मतलब होता है छोटी ई, अगर हमने डबल ई लिखा उसका मतलब होता है बड़े ई। इसी तरह से यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से अ, ए एन से अंग, ए एस से आह। इसको याद करना पड़ेगा, याद करने के लिए आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से उ, डबल ओ से बड़ा उ, ई से ए, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से अ, ए एन से अंग, ए एस से आह। इसके बाद एक बचता है रिसिरी, ऋषि जो होता है आर आई से होता है, आर आई लिखेंगे तो ऋषि हो, ऋषि हो जाएगा। दोस्तों ये तो बात एकदम निश्चित है कि यदि आप इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी इंग्लिश में अपना नाम लिखना सीख जाऊं, मैं किसी दूसरे आदमी का भी नाम इंग्लिश में लिखना जान जाऊं, इंग्लिश पढ़ना जान जाऊं, इंग्लिश बोलना जान जाओ, तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और आज हमने शुरुआत कर डाली है, लेसन वन से स्टार्ट किए हैं और जब तक आपको पूर्ण रूप से सिखा नहीं देंगे एक भी ग्रामर का कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इन चीजों को आप तैयार कर लीजिए, एक से दो दिन लगेगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इन चीजों को आपने दो दिन के अंदर तैयार कर लिया तो इसके आने वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा कैसे आप नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे किसी और का नाम लिखेंगे। दोस्तों मैं तो आज आपको बस इतना पढ़ा दिया, ये शुरुआत किया है और मेरा साथ देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को पहले आप देखेंगे। फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।